Mew Vlogs. वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैंने व्लॉगिंग देखी माँ सफदर की और सिस्टर लॉजी और अपना डकी भाई और भी बहुत सारे हैं जिनकी मैंने व्लॉगिंग देखी। तो मैंने व्लॉगिंग में देखा कि यार वो अपने आप बारे में बता रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल बता रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा यार मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं बताऊंगा, मैं अपने शहर की लाइफस्टाइल बताऊंगा, अपने शहर की जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा, जो मतलब कि दिखाने वाली नॉलेज हो, जिसमें जिससे नॉलेज आए और जिसे पता चले कि यार इस शहर में ये चीज़ें भी हैं। तो मैंने उस हिसाब से मतलब कि व्लॉगिंग शुरू की। मैं न्यू हूँ और तो इतना मतलब कि बोलने का मुझे तरीका नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह सीख जाएंगे यार आपके साथ। आप भी फैमिली, यूट्यूब फैमिली हमारी है और इंशाल्लाह सपोर्ट करोगे भाई को और इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। नवाबशाह शहर जहाँ भी जाऊँगा आपको इंशाल्लाह मैं अपने बारे में कम और वहाँ के बारे में ज़्यादा बताऊँगा। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरा दुबई का टूर का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह मैं भी वहाँ भी जाऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ की जो चीज़ें, फूड हो गया, वहाँ की जो बड़ी बड़ी इमारतें, जो स्टेडियम वगैरह, जो मतलब के वहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, जो चीज़ मतलब की यूनिक चीज़ें होंगी मैं आपको वो दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो नया बंदा हूँ तो इंशाल्लाह प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर करें और व्यू तो ज़रूर करें, ठीक है। मुझे आप पता है 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 400 घंटे उनके लिए नई नई ट्रिक्स बता रहे हैं यूट्यूब वाले, भाई ये करो वो करो वो करो वो करो। मेरे ख्याल से कि मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो यूट्यूब पे आपकी जो दुकानें खुली हुई हैं कि भाई ये करो वो करो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे ख्याल से एक ये अपना बंदा मतलब कि हशाम सर्वर के नाम से और कासिम अली शाह साहब, मैंने उनको फॉलो किया था, उनको देखा तो कासिम अली शाह साहब ने और इन्होंने हशाम सर की बातों में बिल्कुल एक ही था कि भाई कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ मेहनत करें, अपनी वीडियो अच्छे बनाएं, इंशाल्लाह यूट्यूब फैमिली आपको देखेगी और इंशाल्लाह आपका जो 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे और 10000 सब्सक्राइबर्स क्या उससे भी ऊपर चले जाएंगे माशाल्लाह से। तो प्लीज़ सपोर्ट करें भाई को और पूरा नवाबशाह का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और मैंने पहले ही बताया था कि मैं जा रहा हूँ दुबई नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह और इसके मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरा वीज़ा आ जाएगा और टिकट आ जाएगा इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे भी ले चलेंगे आपको, वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद करेंगे वीडियो शूट दुबई में शूट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर करेगा, इससे आगे का सोचा हुआ है इंशाल्लाह, अगर लगे अल्लाह ने चांस दिया और भाइयों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो मैं जो लगा रहा हूँ अभी, ठीक है, इसका एंड मिस मत करना, एंड में बहुत मज़े की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत मज़े की चीज़ें, ठीक है, एंड मिस बिल्कुल मत करना। पूरा स्टेडियम देखेंगे और सुकून से बैठ के देखेंगे। कहाँ जाना है आपको यार, कहीं नहीं जाना ना, सुकून से बैठ के वीडियो देखो। थैंक यू। प्यारा स्टेडियम है और जहाँ हमने बचपन में बहुत क्रिकेट खेली और दोस्तों के साथ अभी भी मतलब कि माशाल्लाह से 28 के तो हैं, लेकिन जब हम 18 के थे 19 के थे तो यहाँ पे आते थे अमूमन और दोस्तों के साथ यहाँ पर हर फ्राइडे को मैच खेलते थे। और ये स्टेडियम वही है जिस स्टेडियम में आसिफ अली जरदारी साहब भी यहाँ पे कभी अगर इमरजेंसी लैंडिंग हो तो फिर यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हेलीपैड बनाया जाता है और वो यहाँ पे आके उतरते हैं। अच्छा, ये नवाबशाह का स्टेडियम मैं आपको सारा दिखाऊंगा और सारा विज़िट कराऊंगा। मैं जब कराची में था है ना, तो लास्ट वीक की लास्ट मंथ ही वापस आया हूँ, तो तब मेरे दोस्त वहाँ बोलते थे कि यार आप शायद कोई किसी गांव में रहते हो, तो फिर मैंने इसलिए वीडियो बनाना शुरू की नवाबशाह की कि मैं उनको बताऊँ कि भाई नवाबशाह कोई गाँव नहीं है, नवाबशाह एक सिटी है, शहर है माशाल्लाह से, जैसे आपका कराची है वो तो बड़ा शहर है ना, और दुनिया का मतलब के तीसरे चौथे नंबर पे शहर आ रहा है कराची, उसके तो मतलब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये भी हमारा सिटी है माशाल्लाह से बहुत अच्छा। और इसलिए ये है वॉकिंग जो मतलब के 1800 सीट है और 555 मीटर है ये, ठीक है। तो ये है वॉकिंग ट्रैक है इनका, इस जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये वॉकिंग ट्रैक है और ये सामने आप देख सकते हैं, अगर आप कैमरा आपको दिखा रही है तो सामने जो है वो ये है ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड जिस पे हम क्रिकेट खेलते हैं। और स्टेडियम में यहाँ पर बड़ी बड़ी मैचें भी होती हैं माशाल्लाह से, हमारे जो नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वो प्लेयर्स हैं यहाँ पर आके माशाल्लाह बड़ा बहुत अच्छा मतलब के अपनी बैटिंग दिखाते हैं और अपनी क्या खेलते हैं। और सेंट्रल लेवल पर भी यहाँ पर क्रिकेट मैच हो चुके हैं
और माशाल्लाह से हमारे पास जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं नवाबशाह में वो भी इधर हैं, जिनका नाम अभी विशन में चल रहा है। और काशिफ भट्टी एक था हमारा प्लेयर था नवाबशाह में, वो यहाँ से गया था तकरीबन एक डेढ़ साल पहले। उन्होंने भी मतलब के इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका नाम था, तो वो यहाँ के ही थे, इसी ग्राउंड में खेल के बड़े हुए, इसी ग्राउंड में इन्होंने सीखा हर चीज़, इसी ग्राउंड से की। इसके अलावा ये हर साल यहाँ पर बच्चों के लिए तफरी प्रोग्राम रखे जाते हैं और एक मेला सजाया जाता है जो मतलब के हमारी जो गवर्नमेंट है वो करती है, नवाबशाह की जो गवर्नमेंट नवाबशाह के जो हैं बंदे वो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल आते हैं अपना, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल आते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं और जो 14 अगस्त का दिन था यहाँ पर मनाते हैं स्पोर्ट्स डे, और बहुत सारे डेज होते हैं जो यहाँ मनाते हैं स्कूल सिटी स्कूल और एजुकेटर्स बहुत और भी बहुत स्कूल हैं जो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ माशाल्लाह बहुत, ये देखें ग्रीनरी कितनी है नवाबशाह में, ये सारी आप चेक करें, ये पेड़ पौधे लगे हुए माशाल्लाह बहुत अच्छे, यहाँ पे देखें सेटिंग देखें देख रहे हैं, और बोलते हैं नवाबशाह मतलब के गांव है, गांव नहीं है भाई नवाबशाह बहुत ही अच्छा शहर है, ये देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं नवाबशाह का स्टेडियम, बिलावल स्पोर्ट स्टेडियम, बिलावल भट्टो के नाम से ये स्टेडियम किया है, पहले मेरे ख्याल से बेनज़ीर के नाम था, लेकिन जब बिलावल नहीं पहले बेनज़ीर के नाम था, बेनज़ीर स्पोर्ट स्टेडियम के नाम पे था ऐसे था पहले, फिर जब बिलावल भुट्टो पैदा हुआ तो उसके बाद उसका नाम, और बिलावल जब पहली दफ़ा पाकिस्तान अपना नवाबशाह आए तो फिर उन्होंने अपना नाम बेनज़ीर ने अपना नाम हटा के और बोला बिलावल भुट्टो स्टेडियम कर दो उसका नाम, तो तब से लेके ये बिलावल भुट्टो स्टेडियम है और आज तक चल रहा है, और माशाल्लाह यहाँ पर जो इंतज़ामिया है बहुत अच्छी है जिसने इनको वेल मेंटेन किया हुआ है, नहीं तो बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर उजड़ जाता है ना, कोई देखने वाला नहीं होता। ये देखिए भाई स्टेडियम में झंडे भी लगाए हैं माशाल्लाह से, तो ये सारा कुछ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये वॉकिंग ट्रैक है यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से शाम के, अभी तो नहीं है और अभी भी मतलब आते हैं लेकिन अभी आज नहीं है क्योंकि आज बारिश का मौसम लगा पड़ा है, आसमान देख सकते हो कितना प्यारा आसमान है। तो ये शाम को मतलब के मेरे ख्याल से तकरीबन 50 बंदे वॉक करते हैं, 50 से 100 बंदे वॉक करते हैं डेली है, ठीक है, एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में लेडीज़ भी आती है, उनका टाइम अलग है, उनका टाइम है मेरे ख्याल से 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक लेडीज़ का टाइम है, उसके बाद ये लाइटें अगर अंधेरा हो जाता है, ये लाइटें देख रहे हो बड़ी लाइट लगी हुई है स्टेडियम की, ये लाइटें ऑन कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेडीज़ भी वॉक करती है, वो लेडीज़ मतलब कि सिर्फ ओनली लेडीज़, कोई जेंट्स नहीं होता, कोई जेंट्स नहीं होता, सिर्फ लेडीज़ होती हैं। ये देखें ये इनकी बिल्डिंग है, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये इनकी बिल्डिंग है, ये रूम्स बने हुए हैं ऊपर इनके, ठीक है, और ये स्टेयर्स हैं जहाँ से ऊपर जाते हैं, देख रहे हैं ये देखें ये स्टेयर्स हैं, ये ऊपर जाते हैं रूम के, और ये देखें ऊपर रूम बने हुए हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से, ये ऊपर बैठने के लिए जगह बनी हुई है, जैसे हम हर स्टेडियम में होते हैं वैसे ही हर चीज़ बनी हुई है माशाल्लाह से, नवाबशाह शहर स्लो तरक्की कर रहा है, तो तरक्की भी रास्ते भी आ रहा है। और इसके अलावा और भी कुछ बहुत कुछ दिखाने के लिए जो मैं आपको दिखाऊंगा, लोग व्लॉगिंग करते हैं सिर्फ अपने आप को दिखाते हैं कि यार हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, मैंने थोड़ा मुख्तलिफ ट्राई किया, मैंने क्या यार व्लॉगिंग करेंगे लेकिन अपने आप को इंट्रोड्यूस क्या करें, हम अपने शहर को इंट्रोड्यूस कराएँगे और बताएँगे कि भाई हमारा शहर कैसा है, और मैं न्यू हूँ इसलिए थोड़ा बोलने में भी आपके दिक्कत मसला आ रहा है ना, तो जो भी मिस्टेक्स हैं वो यार देख लेना इंशाल्लाह फिर उसको इम्प्रूव कर देंगे। तो चलें भाई, ये देख इसके जो ना 4 गेट हैं, एक ये गेट है, एक वो गेट है इंट्रेंस जहाँ से मैं आया था शुरुआत में, और एक वो गेट है, एक वो सामने गेट रहा,
ये गेट है, दो ये गेट चार गेट हैं टोटल। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ग्रीनरी है, और बहुत अच्छी ग्रीनरी माशाल्लाह, देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त देखें कितनी ग्रीनरी माशाल्लाह। और यहाँ के जो केयरटेकर हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने पार्क को बनाया हुआ है, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से काम जारी है। यहाँ पे सामने रोलर पड़ा है, अगर कैमरा दिखा सके, हाँ कैमरा दिखा रही है भाई, और आप देख रहे हैं रोलर सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद पिच की तरफ चलते हैं, पिच दिखाते हैं आपको कि पिच कैसी है। बिल्कुल इंटरनेशनल जैसे पिच होती है वैसे ही पिच बनाई हुई है उन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा, इसके पल्ली साइड जो है गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स ये सामने जो है ना, इसके पल्ली साइड गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट के हैं। ये देखें पिच देखें कितने शानदार हैं। अभी तो ये बारिश की वजह से थोड़ी बहुत मतलब कि यहाँ सीन हो रहा है, लेकिन पिच फिर भी देखें माशाल्लाह कितनी शानदार बनी हुई है, देख रहे हैं ये पिच। बारिश की वजह से तकरीबन 1.5 महीना हुआ है बारिश हो रही है, और उस वजह से बस ये सीन हो रहा है, तो पिच का ये थोड़ा बहुत खस्ता हाल हो चुका है। लेकिन माशाल्लाह मैंने देखा है, जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर तो नवाब शाह के स्टेडियम ज़रूर विज़िट करता हूँ और ज़रूर देखता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत लोग होंगे जिनकी यादें होंगी यहाँ पर, जो बाहर हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह, और कनाडा, और इसके अलावा बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है, यूएसए, वाशिंगटन डीसी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नवाब शाह के होंगे और इस स्टेडियम को जानते होंगे, और उनकी ये शायद यादें होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी वीडियोस को शेयर किया जाएगा नवाब शाह के हिसाब से, जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे तारीखी जगहें, जो ये भी एक तारीखी जगह है ना भाई, ये तकरीबन स्टेडियम को मेरे ख्याल से 1945 के बाद ये स्टेडियम मतलब कि तामीर होता गया, कि नवाब शाह स्टेडियम इतना पुराना है। इनकी ये भी लिखा मैंने लिखी नहीं पड़ी भाई कितना पुराना है, लेकिन मेरे ख्याल से जो यहाँ पे कोच थे वो बता दें कि भाई हमारे से मतलब उनकी उम्र थी तकरीबन 65 साल, तो वो अब भी बता देते भाई हमारे से पहले का स्टेडियम है ये। तो यहाँ पर जो लोग आए होंगे, जो अभी बाहर मालिक में बैठे हुए हैं, अब्रॉड बैठे हुए हैं, और अपने बिज़नेस की वजह से, अपने कारोबार की वजह से बैठे हुए बाहर, लेकिन ये उनकी यादें जो मैं उनको दिखा रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि भाई ये स्टेडियम जो वीडियो है शेयर करोगे लाजम, और पूरा व्यू करोगे, आखिर तक मिस ना करोगे, क्योंकि स्टेडियम देखो माशाल्लाह कितना खूब। चलो भाई मैं आपको ये चीज़ मज़े की बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये है टेनिस ग्राउंड, ठीक है, लेकिन टेनिस ग्राउंड के अलावा टेनिस और टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी ग्राउंड अलग है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बच्चों को कराटे सिखाए जाते हैं डेली बेसिस पे, शाम को 6:30 बजे क्लासेस लगती हैं, यहाँ पर बच्चे आते हैं यहाँ पे कराटे सीखते हैं, ठीक है। ये मतलब कि मल्टीपल ग्राउंड है ना, यहाँ फुटबॉल भी खेलते हैं, बच्चों को कराटे भी सिखाए जाते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, ठीक है, और सब कुछ खेलते हैं माशाल्लाह। यहाँ पर ये देख रहे हैं चेयर्स लगी हुई हैं, ये ग्राउंड है माशाल्लाह बहुत अच्छा लॉक है। अभी तो मैंने बोला बताया था कि शाम को 6:30 बजे आते हैं लोग, और इसलिए बाहर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू।